हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है और आप सभी लोग अब ऑफिशियल आंसर सीट का इंतजार करें। बेसिकली अगर हम यूपी बीएड वाले छात्रों की बात करें और आप लोग रिजल्ट का इंतजार करें, तो रिजल्ट आपका 5 अगस्त को आ जाएगा। उसके बाद आप सभी लोगों की जो काउंसलिंग है ऑनलाइन तरीके से वो करवाई जाएगी। काउंसलिंग में बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो है फाइनल ईयर की मार्कशीट लगेगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आपको जो है लॉग इन करना होगा। उसके बाद में आपको कुछ कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं। वहां पर आप कितने भी कॉलेज चाहें आप कॉलेज वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो कॉलेज आपको चाहिए मनपसंद, आप उस कॉलेज को टिक करते हैं। उसके बाद दूसरे कॉलेज को, तीसरे कॉलेज को, चौथे कॉलेज को, यानी कि आप जितना भी चाहें आप उतना कॉलेज वहां पर चूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज, आप सभी लोग जो बार बार कमेंट कर रहे थे जब से एग्जाम हुआ है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे कॉलेज हैं, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको सारी अपडेट इस चैनल पर बिल्कुल सही तरीके से दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉलेज लिस्ट के बारे में कि कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन से कॉलेज आपकी गवर्नमेंट है और किस कॉलेज में कितनी सीटें यहां पर रिक्त हैं। तो इन सभी चीजों पर हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी लोगों को कोई भी काउंसलिंग में 1% की दिक्कत किसी को भी ना हो। क्योंकि काउंसलिंग में अगर दिक्कत हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो काउंसलिंग है वो खराब हो सकती है। और अगर आपका मान लो कोई गलती से आपका एडमिशन हो भी जाता है और आपने काउंसलिंग में कुछ गलतियां कर दी हैं, तो हो सकता है कि आपकी बीएड की डिग्री भी खराब हो जाए। तो ऐसे में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको पल पल की सारी अपडेट और हर एक सावधानियों के बारे में यहां पर आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मेरे पास कॉलेज लिस्ट है। हालांकि ये जो कॉलेज की लिस्ट है वो पुरानी है, 2020 बैच की जो है यहां पर जो है कॉलेज लिस्ट है। लेकिन बिल्कुल यही कॉलेज सेम रहने वाला है, इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं होने वाले हैं। बस 1-2% जो कॉलेज हैं जो एनबीए ग्रेडिंग में नहीं थे, उन्हीं को इस बार हटा दिया गया। बाकी आपका पूरा का पूरा सेम कॉलेज रहेगा। कोई भी कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो गवर्नमेंट कॉलेज थे वो तो गवर्नमेंट रहेंगे ही, प्राइवेट वाले प्राइवेट रहेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी एक यूनिवर्सिटी को उठा लिया, मैंने मान लो लखनऊ यूनिवर्सिटी मैंने ले लिया। यहां पर लखनऊ यूनिवर्सिटी की यहां बात करें तो यहां पर जैसे एक कॉलेज आ गया एडेड फीमेल, ठीक है, इनका नंबर दिया है, उस कॉलेज का नंबर दिया है। और इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर सीटों के बारे में बताया गया कि जैसे आर्ट और कॉमर्स मिलाकर यहां पर मान लीजिए 35 सीट है और साइंस और एग्रीकल्चर की जो है यहाँ पर 25 सीट है। तो यहाँ पर टोटल जो है नंबर ऑफ सीटेड के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। ऐसे ही आप किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी से आप देखना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर नीचे चले जाइए और आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आ गया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस्ड है, को एजुकेशन। यहाँ पर को एजुकेशन का मतलब है कि लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ सकते हैं। वहां पर इनका भी कॉलेज का नंबर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर 70 सीटें जो बताई गई हैं वो आर्ट और कॉमर्स की हैं और 30 सीटें जो हैं वो साइंस की हैं। तो आप यहाँ पर कॉलेज लिस्ट के बारे में आप इसको देख सकते हैं, हर एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे ही आप और नीचे चले आइए, ठीक है। यहाँ लगभग हर एक यूनिवर्सिटी, सीसीएससी यूनिवर्सिटी मेरठ हो गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कॉलेज दिया है एस्ट्रॉन कॉलेज ऑफ एजुकेशन नूर, सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है कि प्राइवेट कॉलेज है आपका, कोई एजुकेशन यानी लड़के लड़कियां सब पढ़ सकते हैं। और 70 सीट यहां पर भी उसी की है, यानी कि आर्ट और कॉमर्स की, और 30 सीटें आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो आप लोग इसको कहां से डाउनलोड करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, ठीक है भाई। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो चैनल है टॉपर सिंह, इसका टेलीग्राम लिंक दिया गया है। तो आप लोग तुरंत पहले जाइए, उस टेलीग्राम ग्रुप को पहले ज्वाइन करिए, क्योंकि आने वाले समय में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, कॉलेज लिस्ट और भी चीजें जो है उन सभी की लिस्ट वगैरह आपको वहीं पर प्रोवाइड मिलेगी। तो आप लोग पहले तो जाकर उस जो है टेलीग्राम ग्रुप जो दिया है उसको आपको जो है तुरंत ही ज्वाइन कर लेना है और वहीं पर आपको ये लिस्ट भी मिल जाएगी। तो आप आराम से घर में बैठ के अपनी लिस्ट चेक कर लीजिए कि आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में कितने कितने कॉलेज हैं जो आपकी बीएड प्रोवाइड कराते हैं, कौन कौन से प्राइवेट हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए और नीचे आ जाते हैं, और भी बहुत सारे जो यहाँ पर कॉलेज के बारे में दिया गया, सीसीएससी यूनिवर्सिटी मेरठ हो गया, ठीक है, बिल्कुल आप देख लीजिए, पूरा का पूरा यहाँ पर मेरठ यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर सीएसजेएमयू देख लीजिए, यूनिवर्सिटी जो कानपुर की है, यहाँ पर कौन कौन सी कॉलेज हैं, उनके कॉलेज का नंबर भी यहाँ पर दिया गया। ये कॉलेज की जो वहाँ पर प्रिंसिपल होते हैं या कहीं कहीं के एचओडी हैं, उनका नंबर यहाँ पर दिया होता है हर एक कॉलेज का, ठीक है भाई मेरे। तो जो सेल्फ फाइनेंस लिखा है वो आपका प्राइवेट होता है, बाकी जहाँ पर एडेड वगैरह लिखा है वो सब आपके जो हैं गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है 4,000 से लेकर के
10,000 रुपये तक जो है फीस आपकी गवर्नमेंट की होती है। वहीं पर अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में 51,225 जो है पहले साल की और तकरीबन 30,000 फीस जो है दूसरे साल की होती है। तो यही चीज़ें जो है यहाँ पर हैं। बाकी आपको क्या क्या फ़ायदे हैं गवर्नमेंट के, क्या क्या फ़ायदे हैं सरकारी के, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनकी रैंक कम होती है लेकिन उसके बावजूद भी वो प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं, तो इन सभी के अपने अपने चीज़ें हैं। लोग क्या दिमाग लगाकर प्राइवेट ले लेते हैं, बहुत छात्र ऐसे होते हैं जिनकी रैंक ज़्यादा होने के बावजूद भी वो जो है सरकारी कॉलेज पा जाते हैं, तो उन सभी के बारे में हम लोग अलग से वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल आज की वीडियो का सिर्फ जो है एक ही मेन पर्पज़ था, वो था आप लोगों को कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड कराना। तो ये कॉलेज लिस्ट आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक यानी टेलीग्राम पर आपको मिलेगा, तो आप सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ से जाकर आप अपनी इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।